अगर आपने कभी गाय पे गौर किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गाय पूरे दिन बैठकर कुछ ना कुछ चबाती रहती है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब गाय को पूरे दिन में खाना तो एक या फिर दो बार दिया जाता है, तो वो पूरे दिन बैठकर आखिर क्या चबाती है? तो दोस्तों, गाय जो है जब एक बार खाना खा लेती है तो पूरे दिन बैठकर उसे दूसरी बार भी चबाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल दूसरा ये आता है कि जब गाय ने एक बार खाना खा लिया और उसे निगल लिया, तो वो उस खाने को वापिस से दो बार या दूसरी बार कैसे चबाती है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के पीछे जो मेन रोल है वो गाय के स्टमक का है। गाय का जो पेट होता है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओबेमेसम और चौथा है एबोमेसम। जब गाय पहली बार खाना खाती है तो उसे चबा कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर निगल लेती है, जिसके बाद वो खाना डायरेक्टली रूमेन में जाता है, जो कि स्टमक का पहला पार्ट है। रूमेन के अंदर उस खाने के साथ कुछ एसिडिक लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो सारा खाना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और वो सॉफ्ट खाना जो कि रूमेन में मौजूद है उसे कर्ड कहा जाता है। अब जब ये खाना सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद रोल प्ले करता है सेकंड पार्ट, जो कि है रेटिकुलम। अब जो रेटिकुलम मसल्स है वो उस कर्ड को रूमेन में से निकालकर गाय के मुंह में वापस भेजते हैं, जहां पर गाय उस खाने को दूसरी बार अच्छी तरह से चबाती है। अब जब गाय उस खाने को दूसरी बार चबा लेती है तो उसे वापस से निकलती है, जिसके बाद वो खाना तीसरे पार्ट में जाता है, जो कि है ओमेसम। ओमेसम में खाने के अंदर जितना भी मॉइस्चर, मिनरल्स और जितने भी गाय के लिए जरूरी चीजें है, उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है उसे चौथे पार्ट में भेजा जाता है, जो कि है एबोमेसम। एबोमेसम के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव लिक्विड्स मौजूद होते हैं जो कि उस खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद उस खाने को डायरेक्टली इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान गाय खाने को इतना ज्यादा चबाती है कि वो अपने पूरे दिन का तकरीबन 8 घंटे खाने को चबाने में बिता देती है, और गाय अपने पूरे खाने को तकरीबन 40,000 बार चबाती है। तो दोस्तों, क्या आपको गाय का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में पहले पता था? कमेंट में जरूर बताइए।